ये है आशीना का डोसा, ये रहा हमारा पनीर पराठा। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम जा रहे थे घूमने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बाइक की सर्विस कराते हुए कि हम जो है कहीं घूमने जाएंगे, तो घूमने हम आज जा रहे हैं और जो कि टूर है हमारा 8-10 दिन का, मज़ा आएगा। पहले तो हम घर जाएंगे, यहाँ से मेरा घर पड़ता है लगभग 300 किलोमीटर। पहले घर जाएंगे, घर जाने के बाद शादी है घर पर, जो कि चाचा के लड़के की शादी है उसको करेंगे और उसके बाद जाएंगे नैनीताल। तो आज हम मैं अकेला नहीं हूँ, हमेशा अकेला होता हूँ, आज अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ मेरी वाइफ है, हम दोनों ही जा रहे हैं, घूमने भी हम दोनों जाएंगे, तो मज़ा आएगा। वीडियो में बने रहना, एंड तक वीडियो देखना और पूरे टूर का आनंद लेना, क्योंकि 8-10 दिन का टूर है तो काफ़ी सारी वीडियो आएंगी। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको बाहर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं D&D, बट हाईवे है एक नंबर भाई साहब, बहुत ही बड़ा हाईवे है। ये तो वन साइड है, एक साइड से जाने वाले हैं, एक ये है एक साइड से जाने वाले, जो कि ये सीधा, इस पर कोई कट ही नहीं है, ये सीधा आपको हापुड़ी निकालेगा, हापुड़ मेरठ के लिए जो कट होता है वहाँ तक ही आएगा। ये तो बहुत बड़ा रोड है यार, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ, इसी लाइन में कम से कम 5 ट्रक जो है एक साथ चल सकते हैं। एक साथ का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही लाइन में एक साथ चल सकते हैं 5 ट्रक। तो इतनी बड़ी ये है, ये वाली रोड है, और तीन ट्रक उस रोड पर चल सकते हैं। तो लगा लो 8 ट्रक जो है ना, 8 हैवी वाले जो व्हीकल हैं वो एक साथ चल सकते हैं, फिर भी बंदा जो है जाम नहीं लग सकता। तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा रोड है। फिर इतने 8 ही ये साइड है और 8 ही वो साइड है, जो उधर से आने वाली साइड है ना, वो साइड 8 ही वो साइड है, देख रहे होंगे आप, ये आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से, ये देख सकते हैं कितना बड़ा रोड है यार, बहुत प्यारा रोड है, बहुत अच्छा रोड है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, इनमें से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप इस D&D पे जा सकते हैं। गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये देख रहे हैं ना बोर्ड, गाजियाबाद के लिए और नोएडा के लिए यहाँ से कट है, एग्जिट ले लेंगे तो आप गाजियाबाद और नोएडा के लिए मुड़ जाएंगे, और बाकी हम मेरठ, ये देख रहे हैं मेरठ और हापुड़, इसके लिए हम इस रोड पर चल रहे हैं। तो भाई अभी हम आ गए लखुआ के टूल टैक्स पे, जो कि फर्स्ट टूल टैक्स है। इधर देख रहे होंगे आप लाइन लगी हुई है, बट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे पास जो है बाइक है, बाइक वाले कभी नहीं रुकते। और ये हैं लोकल ऑटो, जो कि इनको भी देना नहीं पड़ेगा, इनका पहले ही जो है परमिट हो जाता है महीने का कि आपको इतना देना है, तो लोकल ऑटो वालों को भी देने नहीं पड़ता। तो अभी निकल गए हम लखुआ के टूल से भी और मिलते हैं अब आपको आगे। अब हम लेंगे फर्स्ट ब्रेक क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए। एम्बुलेंस को साइड देना बहुत ज़रूरी है भाई। तो गाइस अभी हम आ गए हैं शिवा ढाबा और लेते हैं पहला ब्रेक, क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं, तो थोड़े से बैठे बैठे थक भी गए और थोड़ा भूख भी लग रहा है, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता करके ही हम निकल गए थे, खाया कुछ था नहीं हमने। तो चलिए चलते हैं अंदर और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी तेज की लग रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको शिवा ढाबा, और ये रहा कुछ शिवा ढाबा, जो कि ऐसा दिखता है, और हम जब भी जाते हैं इसी पे स्टे करते हैं, क्योंकि ये जो है ठीक ठाक है, इसमें खाने को भी अच्छा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी आ गए हम पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो गाइस इस तरह का है ये शिवा ढाबा, तो हम बाहर तो नहीं खाएंगे, हम तो फ़िलहाल अंदर चलेंगे और अंदर चल के अंदर दिखाते हैं आपको, ऑर्डर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये रहा शिवा ढाबा, तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं शिवा ढाबे में, और वो देख रहे हैं आप हमारा सामान, दो बैग हैं, बड़े बड़े बैग हैं,
बहुत ज़्यादा वजन है इनमें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक पे। तो भाई दिक्कत तो उठानी पड़ेगी क्योंकि 8-10 दिन का टूर है, तो सामान भी चाहिए होगा। खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, मैडम जी पनीर नहीं खाती, दूध वाली चाय नहीं पीती, तो इनके लिए अलग ऑर्डर करा, मैंने पनीर अलग ऑर्डर करा। तो आने देते हैं खाना और देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने ऑर्डर किया है, खाते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो गाइस ये है आशिमा का डोसा, आशिमा डोसा खाएगी, और ये रहा हमारा पनीर पराठा। तो खाते हैं और निकलते हैं बाहर, और कुछ इस तरह से दिखता है ये शिवा ढाबा। तो गाइस खाना हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं शिवा ढाबे से, तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ गए फिर से हाईवे पे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, वहाँ ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बट खाना अच्छा था। हम तो जब भी जाते हैं यहीं रुकते हैं, और कई बार जा चुके हैं, बट अब की बार आप लोग साथ हो तो हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं, दिखा देते हैं, अच्छा होता है। आशिमा ने डोसा खाया था और मैंने पनीर पराठा, तो पनीर पराठा तो एक नंबर होता है यहाँ का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार सब्सक्राइब कर दो यार। भाई यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो गाइस आज का इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।